वेलकम बाईस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है एक नया दिन, टाइम हो रहा है सुबह की 4:10। मैं उठ चुका हूँ। हम जाएंगे एक अमेजिंग सी सरप्राइज राइड पर। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त सुमन शुक्ला को, जो रोज़ डेली रनिंग के लिए जाता है, उससे मिलने के लिए, और उसे एक सरप्राइज देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते हुए हम इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं एंड लेट्स गो। सो गाइज, हम फाइनली निकल चुके हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जब तक गेट से निकला नहीं वो बाहर खड़ी थी कि ये कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। बट डोंट वरी, हम ड्राइव सेफली करेंगे और हमको जल्दी पहुँचना पड़ेगा बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। भाई बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाए, थैंक गॉड। चलिए हम शुरू करते हैं। ट्रेजर आइलैंड मॉल जो कि पूरा बंद है अभी, मैं भी अंदर लोग हूँ बट अभी तो मुझे एक पंची भी वहाँ अंदर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग तो आगे ही चलते हैं यहाँ से। ग्रीन, वी आर गोइंग। भाई आप देखिए, मतलब इंदौर को ऐसे ही नहीं 3 बार रिकॉर्ड मिला है सफाई के लिए, एक एक कोना तक क्लीन है पूरा। मतलब भाई आई एम रियली इम्प्रेस्ड, रियली इम्प्रेस्ड। सैल्यूट टू गवर्नमेंट, मतलब बहुत अच्छा काम करा है भाई। अमेजिंग डेवलपमेंट सब ब्रिजेस पे। मैं जितनी भी जगह से आ रहा हूँ, ये सब जगह दिस काइंड ऑफ वर्टिकल गार्डन्स आई कैन सी एवरी वेयर। आई जस्ट टुक अ स्टॉप, मतलब सब जगह कंप्लीट मुझे सिर्फ ये गार्डन्स ही गार्डन्स दिख रहे हैं। हमारे पीछे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, इंदौर में बना हुआ है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा यहाँ से वहाँ तक सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई। रजवाड़ पैलेस इंदौर की जान शान है बिकॉज हम रजवाड़ इंदौरीस तो ना भाई हर चीज़ में टैलेंटेड है। मतलब देखिए गाइस, क्या पेंटिंग्स बनाई है, क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। पूरी यहाँ से वहाँ तक मैं 1 किलोमीटर से देख रहा हूँ, पूरी ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई है। एंड लोग अभी वॉक पर निकल चुके हैं, तो हम भी अभी हमारे आगे चलते जाते हैं, देखते आगे क्या मिलेगा हमको। जल्दी से जल्द सुमन के पास पहुँचना है वरना वो घर जा सकता। तो ये लीजिए भाई साहब, आ गए हैं हमारी जगह पर। This is super corridor in Indore and this is how it looks like. You can see, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, मतलब पूरा रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और सुबह सुबह आकर तो जैसे मानो यहाँ पर मज़ा ही आ गया। क्या ब्यूटी है भाई, क्या ब्यूटी है, मतलब दिल खुश हो गया। This ride was very meaningful. अभी तक पटम जिस कारण से आए हमको वो अभी तक नहीं मिला है। देखते हैं अब सुमन हमको मिल पाता है भी अगर नहीं, हो सकता है वो घर जा चुका हो, सकता हो कहीं आगे हो, मे बी, देखते हैं, तब हमारी राइड कंप्लीट हो जाएगी। मतलब तो कुछ नहीं गया, क्योंकि जिस कारण से हम आए थे वो हमको अभी तक नहीं मिला है। आई एम स्टिल वेटिंग हियर, देखते हैं क्या हो पाता है। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग हिम कि वो जल्द से जल्द इस एरिया में आएगा, और जैसे ही आएगा हम उसको कैप्चर करेंगे, क्योंकि आई वॉन्ट सी दैट मोमेंट कि उसको कैसा लगता है कि दिव्य पंचोली सुबह आ सकता है कि नहीं। भाई जगह के बारे में बात करें तो बहुत सुंदर जगह है, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया। वो नहीं भी मिलेगा तो कोई अफसोस नहीं है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यू मस्ट विजिट सुपर गॉर्डन मॉर्निंग वंस, रियली 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 ब्यूटीफुल। सारी गाड़ियाँ आ रही है बट हमें जिस इंसान का वेट है वो नहीं आ रहा है। देखते हैं कि कितनी जल्द आता है अब, बिकॉज भाई मैं तो थक गया हूँ। सनराइज़ हो सका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पीछे अपने को एक बहुत प्यारा सा सन दिख रहा है। एंड
मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ, एक सुपर कॉरिडोर है इंदौर में उसके ब्रिज पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और इट्स अमेजिंग, अमेजिंग वर्ड नहीं मेरे पास, इट्स रियली अमेजिंग। भाई क्या है ना, सब कुछ अच्छा है पर समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मोटा कब आएगा। भाई मोटे जल्दी आ जा, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा भाई मोटे प्लीज़। ने सारे साइकिलिस्ट को देख लिया ना अभी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच, भाई पांच। इंसानियत से भरोसा उठ गया यार मोटे, कहाँ है तू, वेयर आर यू। द पर्सन ऑन द अदर रोड एक ब्लू कलर का आपको स्पॉट कर रहा होगा, वही है हमारा इंसान जिसको हम ढूंढ रहे थे। पता नहीं वो क्या चाहता है, वो देखो कौन आ रहा है। साले का आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ और ये पता नहीं इतना लेट हो गया है। मुझे बोलता है कि मैं नहीं उठ पाऊंगा, खुद नहीं उठ पाया। ये इंसान है जिसका मैं आधे घंटे से पागलों की तरह रोड पे बैठा था। भाई सही में अगर तू 10 मिनट बाद आता ना तो मेरा इंसानियत पे से भरोसा उठ जाता। मतलब क्या बोलेगा यार तू, मैं तेरे से पहले खड़ा हूँ यहाँ पर। भाई ये थोड़ा टाइम लेती है चलने में, आपकी बुलेट जैसी नहीं है, ये थोड़ा टाइम लेती है। सही में आ रहा है, आई रिस्पेक्ट योर डेडिकेशन भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। राइट नाउ आई एम एट ग्रेटर बाबा विच इज़ अ जैन टेम्पल। और मतलब अभी नहाए तो है नहीं तो दर्शन तो कर नहीं पाएंगे, पर बाहर से ज़रूर करेंगे। और आप देख सकते हो सामने जो है वो भगवान की मूर्ति है जो कि, एंड ये पूरा आई थिंक वो सामने जो घर दिख रहा है वो कुछ ओनर का घर है। तो अभी उसे आने में बहुत देर है, हम उसको वापस एयरपोर्ट पर ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए मैंने सोचा कि मंदिर दर्शन कर लें। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, आज की मेरी राइड पूरी हो चुकी है। ठंडे ठंडे पानी से नहा के इस गर्मी के मौसम मजा आ गया, पानी से याद आया हमें डेली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर पीना चाहिए, रोज 4 लीटर पानी रोज पिए। सो बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया आज। जो हमारा मेन मोटिव था कि सुमन को जाके सरप्राइज़ देना है, शुरू में बहुत दिक्कतें आई, वो नहीं मिला, हम टाइम तो जल्दी पहुंच गए वहां पर, बहुत कुछ हुआ, बट ऑल ओवर इट वाज रियली रियली वेरी नाइस राइड। उसके बाद मैं जानता हूं गाइस मैं तुमको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया हूं आप लोगों को, बट अगली बार और भी कुछ ट्राई करूंगा। मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट की परवाह वो नहीं हो पाई है, मैं उसको नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूंगा कि वो आपको सब कुछ चीज़ें दिखा पाऊँ। सो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके बाबा, थैंक यू।